सदाशिव अमरापुरकर हिंदी सिनेमा का वो नाम था जिसने अपनी प्रतिभा से इस चमचमाती दुनिया में एक आला मुकाम हासिल किया था और उनका ऐसा करना जाहिर भी था क्योंकि सदाशिव एक्टिंग को अपनी जिंदगी और अपनी सांसें कहा करते थे। सालों तक खुद को थिएटर में पॉलिश करने के बाद जब सदाशिव फिल्म जगत में आए तो इनका अभिनय कौशल देखकर सब हैरान रह गए। इनकी जिंदगी की पूरी कहानी हम इनके बायोग्राफी वीडियो में पहले ही कह चुके हैं। अगर आपने इनकी बायोग्राफी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके बायोग्राफी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमारी सलाह है कि आप इनका बायोग्राफी वीडियो जरूर देखिए। आज हम आपको सदाशिव अमरापुरकर के निभाए कुछ बेहद जबरदस्त किरदारों से रूबरू कराएंगे। ये ही वो किरदार हैं जिन्हें निभाकर सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म इंडस्ट्री को अपना लोहा मनवाया था। अर्ध सत्य का रामा शेट्टी। सदाशिव के करियर की पहली फिल्म अर्ध सत्य थी। इस फिल्म से पहले सदाशिव केवल थिएटर ही किया करते थे, लेकिन जब लेखक विजय तेंदुलकर ने एक दिन सदाशिव से कहा कि मैंने एक फिल्म लिखी है और इस फिल्म में एक किरदार तुम्हें ध्यान में रखकर लिखा है जिसे तुम्हें ही निभाना है, तो सदाशिव ने विजय तेंदुलकर से कहा कि आपकी बात मैं कभी नहीं टालूंगा। उन दिनों सदाशिव विजय तेंदुलकर के लिखे एक नाटक में ही काम कर रहे थे और विजय तेंदुलकर के हुनर से अच्छी तरह वाकिफ थे। विजय तेंदुलकर की लिखी वो फिल्म थी अर्ध सत्य और सदाशिव उस फिल्म में रामा शेट्टी के छोटे लेकिन बेहद दमदार किरदार में नजर आए थे। आज भी वो किरदार सदाशिव के निभाए किरदारों में सबसे ऊपर माना जाता है। खामोश का डायरेक्टर। साल 1986 में आई फिल्म खामोश में भी सदाशिव का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस रोल को भी इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में निभाया था। ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में सदाशिव एक फिल्म डायरेक्टर के किरदार में नजर आए थे। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके लिए उसकी फिल्म से बढ़कर कुछ नहीं है और उसके काम में रुकावट डालने वालों से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। आखिरी रास्ता का भ्रष्ट नेता। अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता में सदाशिव अमरापुरकर एक पॉलिटिशियन के रोल में दिखे थे। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो ना केवल करप्ट है बल्कि बहुत घटिया इंसान भी है। जहां शुरू में डेविड यानी अमिताभ बच्चन चतुर्वेदी यानी सदाशिव अमरापुरकर के लिए जान भी देने को तैयार रहता है, तो वहीं अंत में डेविड ही चतुर्वेदी की जान भी ले लेता है। चतुर्वेदी के रोल को सदाशिव अमरापुरकर ने जबरदस्त अंदाज में निभाया है। सड़क की महारानी। सदाशिव अमरापुरकर के करियर के सबसे चुनिंदा और सबसे शानदार किरदारों में ये किरदार भी ज़रूर शुमार किया जाता है। महारानी एक ट्रांसजेंडर है और एक कोठा चलाती है। वो बोलने में जितनी तेज तर्रार है मिजाज से उतनी ही खतरनाक भी है। सदाशिव ने इस किरदार को कितनी बढ़िया तरीके से निभाया इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि फिल्म फेयर ने इसी किरदार यानी सड़क की महारानी के लिए सदाशिव को बेस्ट विलेन का अवार्ड दिया था। आंखें का इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। साल 1993 में आई मल्टी स्टारर आंखें में सदाशिव अमरापुरकर इंस्पेक्टर प्यारे मोहन के रोल में दिखे थे। इस फिल्म से साबित हो गया था कि सदाशिव न केवल विलेनियस बल्कि कॉमिक रोल्स को भी बखूबी निभा सकते हैं। प्यारे मोहन एक ऐसा इंस्पेक्टर है जो स्वभाव से एकदम मनमौजी है, कई मौकों पर एकदम बेवकूफाना हरकतें करता है, लेकिन बड़े से बड़े खतरों से टकराने में जरा भी नहीं हिचकता है। भारत एक खोज के महात्मा फुले। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक एपिसोड में इन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। सदाशिव अमरापुरकर का निभाया ये एक और ऐसा किरदार था जिससे ये पता चलता था कि ये कितने बेहतरीन अभिनेता थे। एक और टीवी शो राज से स्वराज तक में सदाशिव अमरापुरकर ने लोकमान्य तिलक का किरदार भी दिया था और इसे भी खूब सराहा गया था। कुली नंबर वन का पंडित।
गोविंदा की फिल्म कुली नंबर वन में सदाशिव अमरापुरकर एक ऐसे पंडित बने थे जो लोगों की शादियां कराता है, लेकिन एक दफा कादर खान जब इस पंडित की बेइज्जती करके अपने घर से भगा देता है तो ये पंडित कादर खान से बदला लेने की ठान लेता है। कुली नंबर वन को इसकी जबरदस्त कॉमेडी के लिए आज भी लोग पसंद करते हैं और सदाशिव अमरापुरकर के किरदार पंडित शादीराम घर जोड़े भी लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। इश्क का रंजीत राय। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इश्क में सदाशिव अमरापुरकर रंजीत राय के रोल में नजर आए थे। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और सदाशिव की कॉमेडी इस फिल्म की सफलता की वजह बनी थी। यूं तो फिल्म में आमिर खान और अजय देवगन जैसे दिग्गज सितारे भी थे, लेकिन फिल्म की जान सदाशिव अमरापुरकर ही थे।